हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काश राइटर। और अभी एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर सभी जगह पे ऑल इंडिया में पूरे अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन है, आप लोगों को पता ही है, अभी जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो 14 अप्रैल तक के चलेगा एक्चुअली में लॉकडाउन जो है। तो काफ़ी टाइम भी है, तो दिन भर जो है अभी ऑफिस वगैरह हर चीज़ का जो है अभी लॉकडाउन, मतलब आप समझ चुके हैं, हर चीज़ जो है सभी तरीके से पूरी जो है बंद है, कुछ चीज़ जो है चालू नहीं है एक्चुअली में, पूरे घर से कोई भी नहीं निकल रहे हैं। कोविड-19 जो अभी चल रहा है, जो वायरस है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका अभी तक के इलाज जो है कहीं भी कोई भी देशों पे अभी तक के बना नहीं है एक्चुअली में। तो जितना हो सकता है हम उससे बचना है तो बच सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली में किस टाइप से कैसा रहना है। वो जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो प्लीज़ आप जो है कोशिश कीजिए जितना हो सके जो है घर से बाहर नहीं निकलने का, घर में ही रहिए, कुछ ना कुछ कीजिए, रेस्ट कीजिए, कुछ ना कुछ घर में ही कीजिए, लेकिन घर से बाहर ना निकलें, तो ही हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पूरे देश को बचा सकते हैं। घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे और देश सुरक्षित रहेगा। अभी आप देख ही रहे हैं लगातार जो है कोरोना जो वायरस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिन के दिन पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं एक्चुअल में। तो कोशिश यही रहेगा कि साथ मिल के हम अपने आप को, अपने परिवार को, पूरे फैमिली को, प्लस अपने सिटी, शहर और देश को पूरे बचा सकते हैं। क्या है, कोरोना वायरस जो है नॉर्मली ऐसे ही फैलता है, जैसे खांसने से, छींकने से, हाथ मिलाने से। तो जितना अपन जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि सब्जी ले रहे हैं, अदर कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप पूरे जो है जैसे मास्क हो गए, मास्क लगा कर, और ज़्यादा एक फीट के सामान वगैरह ले रहे हैं तो एक फीट के डिस्टेंस बनाकर एक दूसरे से रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सब लोग जो है सुरक्षित रहें। जितना हो सके एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और घर से बाहर तो बिल्कुल भी ना निकले, जो काम करना है घर में ही कीजिए। अभी तो जैसे है खुद को अपना लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन का पालन करें सही से। कुछ लोग हैं जो लोग लॉकडाउन का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जो घर से किसी बहाने से निकल जाते हैं एक्चुअली में, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली में, ये चीज़ें बहुत ही गलत है। क्योंकि हम तो खुद तो अपने आप को जोखिम में डाल ही रहे हैं, प्लस हम अपने परिवार को भी जोखिम में डालेंगे वैसे में, क्योंकि जो वायरस है वो अगर हम में आ गया तो हमारे फैमिली में के अंदर पर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर वो लोग किसी दूसरे के अगर उसमें संपर्क में जाते हैं तो वो जो है फिर फैलते जाएगा। तो कोशिश कीजिए यही है कि खुद को बचाइए, फैमिली सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। कोशिश यही कीजिए कि घर से ना निकले, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, जो हमारे सरकार बोल रहे हैं वैसा कीजिए, तो ही देश जो है सुरक्षित रह पाएगा इस कोरोना वायरस से। साथ में हमको इसके खिलाफ लड़ना है, तभी हम इसे जीत पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बस खाली पीले टाइम में ऐसे ही घूम रहे हैं छत के ऊपर, कुछ काम नहीं है, लॉकडाउन है 15 डे के लिए, काफ़ी टाइम है, 21 डे मोदी जी ने बोला हुआ है, तो काफ़ी टाइम अभी है, तो घर में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है घर से बाहर। पूरे हम लोग गेट में लॉक कर दिए ताकि घर से अपन बाहर ना जा सके, कोई अंदर नहीं आ सके, इससे मिलना जुलना है ही नहीं बिल्कुल। लॉकडाउन का मतलब यही है कि कहीं भी आना जाना नहीं है, जो कहते हैं घर में के लिए टाइम पास कीजिए, लूडो खेलिए, गेम खेलिए, मोबाइल है, यूट्यूब देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बुक पढ़िए, काफ़ी अच्छी चीज़ें। लोग बोलते हैं कि छुट्टी नहीं मिल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं। अब दीजिए टाइम, क्योंकि भरपूर पूरे दिन भर टाइम है, 24 आवर्स आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑफिस वर्क नहीं, नॉर्मली है, पूरे फुल टाइम आपके पास है आपके फैमिली को देने के लिए, काफ़ी टाइम है, 1-2 दिन नहीं, 10 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर नहीं, 21 डे है
कुछ दिन तो वह निकल गया, बट अभी है 15 डे टाइमिंग। और तो दीजिए अपने फैमिली को टाइमिंग, घर में बिताइए, बच्चों के साथ रहिए, फैमिली के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, घर से बाहर मत निकलिए।